तो दोस्तों आज के इस वीडियो में पीएनबी की नेट बैंकिंग के माध्यम से आईपीओ अप्लाई करना सीखेंगे। इस वीडियो को देख के आप खुद ही अपने मोबाइल फ़ोन से आईपीओ में बिड लगा सकते हैं, आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, मोबाइल फ़ोन में कोई भी ब्राउज़र ओपन कीजिए, वहाँ पे पीएनबी नेट बैंकिंग सर्च कीजिए। देन आपको फर्स्ट जो यहाँ पे वेबसाइट दिखेगा पीएनबी नेट बैंकिंग का, उस पर क्लिक करके ओपन करना है। दाहिने साइड ऊपर में देखेंगे तो लॉगिन का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करना है। यहाँ पे रिटेल जो लॉगिन का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। देन आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा जहाँ पे यूजर नेम, देन कंटिन्यू करना है और पासवर्ड और कैप्चा को फिल करके आगे बढ़ जाएंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस होम पेज देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ से अप्लाई की जो है आईपीओ की करने के शुरू होती है। जैसे कि आप, हम आपको बता दें कि डैशबोर्ड पे जैसे क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे पहला जो स्टेप मुझे फॉलो करना है, इस सेक्शन पे जाना है, जैसे कि आप देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट, इसी पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे इन्वेस्टमेंट पे क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, अप्लाई फॉर ASBA, अप्लाई फॉर ASBA, ठीक है। आपको क्या करना है, इसी के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो दो सेक्शन और भी मिलेगा, जैसे कि आप इंडिविजुअल इन्वेस्टर की कैटेगरी आपको चूज करना है तो ऊपर जैसे सेलेक्ट करेंगे तो आपको नॉन इंस्टीट्यूशनल बीडर यानी कि ऊपर जो है आपको चूज नहीं करना है। आप अगर एक आम पब्लिक है, आप अगर एक रिटेल के तौर पर बिड लगाना चाहते हैं तो आपको रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर आपको नीचे वाले पे क्लिक करना है। देन आप इन्वेस्टर टाइप पे क्लिक जैसे करेंगे तो यहाँ पे आपको ऊपर से दो नंबर का ऑप्शन मिल जाएगा, इंड HUF NRI या फिर ट्रस्ट, इस पे ही आपको क्लिक करना है क्योंकि हम लोग रिटेल इन्वेस्टर जो होते हैं बिल्कुल छोटे लेवल का होते हैं तो आपको उसी हिसाब से आपको सभी चीज़ें कैटेगरी डिवाइड किया गया है तो आपको ऐसे ही चूज करना है। देन आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू का, आपको कंटिन्यू कर देना है। ऐसा कुछ इंटरफेस सामने देखने को मिल जाएगा। आपको क्या करना है, स्क्रॉल करके नीचे जाना है, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आई एग्री, इसी के ऊपर आपको क्लिक करना है। देन कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। वर्तमान समय में जो भी आईपीओ खुला रहेगा कंपनी का, वो सभी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा जो कि अलग अलग कंपनी का नाम है, आप देख सकते हैं। जैसे कि मैं आपको इन्फो के लिए बता दूं तो अलग अलग कंपनी देख सकते हैं जिसमें मेन बोर्ड और हम बात करें कि SME आईपीओ सभी शामिल हैं। हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं, देखेंगे तो यूनिक कॉमर्स ई सॉल्यूशन लिमिटेड, इसी के ऊपर हम क्लिक क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के लिए यहाँ पे आपको जो रेड वाली इंडिकेशन दिखाई दे रहा है इसी पे आपको क्लिक करना है। आपके अकॉर्डिंग कोई अलग कंपनी भी हो सकती है, उस पे आपको क्लिक करना है। तो हम यहाँ पे ई कॉमर्स सॉल्यूशन लिमिटेड पे हम क्लिक करते हैं। देन कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे तो जिस कंपनी को आपने चूज किया है उसकी आईपीओ की रिकॉर्डिंग सभी डिटेल्स आप देख सकते हैं। जैसे कि इसकी हम बात करें तो ₹102 से ₹108 इसकी कट ऑफ प्राइस रखी गई है। बिड साइज जो है 138 है और आपके टोटल पैसे यहाँ पे इतना लगने वाले हैं ₹14,904। 138 जो है इसकी क्वांटिटी रखी गई है और सभी चीज़ें, एक कब ओपन हो रहा है, कब क्लोज हो रहा है, उसकी डिटेल आप यहां पे देख सकते हैं। सभी चीज़ें श्योर है तो आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है, नीचे अप्लाई का बटन है। देन कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब आप यहां पे थोड़ा सा चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। जैसे कि मेरा CDCL में है, यहां पे डीमैट अकाउंट मैं उसे चूज कर लिया है, लेकिन जो ब्रोकरेज का नाम है वह धन है, ठीक है। तो आपके ग्रो हो सकता है, एंजल वन हो सकता है, जो भी है उसे आप चूज कर लीजिएगा। ये जो डीमैट अकाउंट नंबर है अलग अलग ब्रोकरेज में जो है अलग अलग जगहों पर होता है, आपको पता नहीं चल रहा है, जैसे कि ग्रो, धन या फिर हम बात करें एंजल वन, अफस्टॉक, जीरोडा में, कि डीमैट अकाउंट नंबर कहाँ पे होता है। तो सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहे तो उसे देख के डीमैट अकाउंट पता कर सकते हैं। अब हम बात करें कि आपको कभी भी आईपीओ अप्लाई करने के लिए कट प्राइस में ही आपको अप्लाई लेना है, अप्लाई जो है करना है, नहीं तो आपका अलॉटमेंट का चांसेस जो है घट जाएंगे। लेकिन जैसे कट ऑफ प्राइस पे आप अप्लाई करेंगे तो अलॉटमेंट का चांस आपका इंक्रीज हो जाएगा।
जैसा कि मैंने बताया था कि इसकी कट प्राइस 108 रुपये है और क्वांटिटी यहाँ पे 138 है, तो मैंने उसे फिल कर दिया है। इसके लिए जो है 14,904 रुपये मेरे अकाउंट में जो है बैलेंस है उसमें से ब्लॉक हो जाएगा। हालांकि ये अमाउंट कटेगा नहीं जब तक कि मुझे शेयर अलॉटेड नहीं होते हैं, तब तक ये अमाउंट ब्लॉक रहेगा, ठीक है। देन आपको नीचे चलना है, यहाँ पर आपके अकाउंट नंबर को चूज कर लेना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे अकाउंट नंबर चूज का ऑप्शन आ जाएगा। देन आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे जैसे क्लिक करेंगे देन कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। आपने बीड अप्लाई करते वक्त जो जो डिटेल्स डाला था सभी चीज़ें देख सकते हैं। यहाँ पे ट्रांजैक्शन पासवर्ड फिल करेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे। सक्सेसफुल तरीके से एक ही बार में आपका आईपीओ लग जाएगा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फाइनली बीड अप्लाई हो चुका है। देन आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप इसे पीडीएफ के रूप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। और जैसे आप ओके करेंगे तो पीडीएफ यहाँ पे बन के आपका रेडी हो जाएगा, उस पीडीएफ को ओपन करके देख भी सकते हैं। हमें उम्मीद है आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। किसी प्रकार का कोई डाउट है तो प्लीज़ कॉमेंट करें, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई आपको ऐसे भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो उससे भी आप फिल कीजिए कमेंट में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।